ठीक है। भाई मेरा एग्जॉस्ट लटक के नीचे आ गया भाई, ये देखो। तो यो मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हो आपका अपना बूम गौरव जोन। तो आज का व्लॉग ऐसे कुछ होने वाला है। ये हमारा भाई आ गया, क्या हाल है मेरे भाई? तो गाइज हम अब कश्मीर में भी ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो ये रही हमारी दो गाड़ी। और गाइज मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था कल, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत ज्यादा ट्रेजेडी होगी, मेरी गाड़ी में ना प्रॉब्लम आ गई है। अगर कल वाला व्लॉग नहीं देखा देखना, फिर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। किसी ने मेरी गाड़ी पूरी यहाँ से भाई छील दी जानबूझ के, ये देखो पूरा नुकसान कर दिया। मेरी गाड़ी का आर्मरेस्ट भी टूट चुका है, ये देखो ये पूरा आर्मरेस्ट मेरी गाड़ी का टूट चुका है, वो ये बाहर निकल के आ गया। पहले मैं तो सोचा भाई दिल्ली वापस चले आऊं, बट मैंने छोटी छोटी चीजों से निराश नहीं होना है। भाई सीन ऐसा है, अभी अपन जा रहे हैं एक ऐसी जगह, हिडन प्लेस कश्मीर में। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, जो करनी है तो कर सकते हो। गाइज अभी निकल रहे अपन ऑफ रोडिंग के लिए, जिगर के चल लो। तो अभी ये गाड़ी अपनी, हाँ जी आ जाओ बैठो भाई, तशरीफ रखो, तशरीफ टेको भाई। अपन निकल गए और देखो कश्मीर में कितना सही व्यू है भाई, ये देखो भाई पानी पानी और ये और वो ऊपर आसमान। ऐसा है ना, अभी कैमरे से मैं ना ज्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पा रहा, क्योंकि फोन से ना फटाफट फास्ट व्लॉगिंग होती है, और जितने में कैमरा ऑन होता है तो इतने में कंटेंट उड़ी जाता है। तो अपन फोन से करेंगे, ज्यादा क्वालिटी मैनेज कर लेना, ठीक है? तो अभी सीन ऐसा है, हमारे साथ ना बसड़ होगी। तो अभी हमने ना आर्मरेस्ट ऐसे रस्सी से बांध दिया, जुगाड़ कर दिया। एक फॉर्च्यूनर है, प्रॉपर ऑफ रोडर है, इसमें लिफ्ट किट लगी हुई है, और आगे से ना दो तीन गाड़ी अपने को और मिलेंगे, और प्रॉपर हम लोकल लोगों के साथ ऑफ रोडिंग करने जाएंगे। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ किसी ने कश्मीर में देखी नहीं है, और ऊपर जाके ना किसी ने सोची ना होगी। यहाँ भी ना G20 हो रहा है, और भाई कितना सही स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। आ रहे हैं G20 में आ रहे हैं, हाँ, तो इसलिए यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। भाई अभी अपन ने खाने के लिए ले लिया, हाँ पेट्रोल। भाई रेंज खाली 4-5 किलोमीटर की रह गई है, तो ये रही रेंज रोवर। भाई मैं रेंज रोवर चलाऊंगा भाई। क्या चला रहे हो? थार? तुम थार चलाओ, तो अपन चलाते रेंज रोवर। अभी अपन जाएंगे रेंज रोवर चलाएंगे भाई, मैं पहली बार चलाऊंगा भाई, मैंने पहले चलाई नहीं है। तो ये रही रेंज रोवर, वॉकी टॉकी अपन ने ले लिया, वो टर्बो फॉर्च्यूनर, ये रही थार और वो रही फॉर्च्यूनर। अपन आ गए हैं रेंज रोवर में भाई, कितनी सही सनरूफ है, और ये शायद खुलती है, नहीं खुलती, नहीं नहीं, ये बस ऐसी ग्लास है। तो भाई इसकी रेंज रोवर तो बहुत सही है इफला की, तो ये पता नहीं कौन सा मॉडल है क्या है, बट चलाने मजा आ रहा है, ठीक है? तो भाई इवोक है, इवोक है ना, कंडीशन भी बहुत बढ़िया है इसकी। सो भाई सीन ऐसा, अभी अपन ने डीजल फुल करा रहे हैं, क्योंकि डीजल की टंकी खत्म हो गई थी हमारी। देखते हैं इसमें, अभी ना सिर्फ 5 किलोमीटर की रेंज है, तो देखते हैं डीजल कितने का था। यहाँ पे सस्ता है, ओ भाई महंगा है बहुत, यानी डीजल सस्ता है, 86 है ना, वहाँ दिल्ली में कितने का है? ना भाई 89। अभी सीन ऐसा है, हमने डीजल भरवा लिया है और हमारी ऑलमोस्ट टंकी फुल हो गई है 4500 में, ठीक है? तो अब चलते हैं अपन इसमें ही चलेंगे, क्योंकि वाली रेंज रोवर खड़ी कर रहा है बंदा, तो अपन थार में चल रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है। अरे यार सॉस है सॉस भाई, कश्मीर में ना भाई थोड़ा वेज मिलने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। रात को भी होटल में खाओगे तो पहले से ऑर्डर करना पड़ता है भाई, वेज खाएंगे तो ही बनाते हैं, वहाँ सारे नॉन वेज ही खाते हैं भाई, और हमारी मिट्टी खराब हो रखी है भाई। तो ये भाई अभी हम किसी गांव से जा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ पहाड़ों के अंदर ऊपर जा रहे हैं, और जहाँ पे वाटरफॉल वाटरफॉल सब होती है भाई। बड़ा सही व्यू है यार, ये देखो पुराने पुराने घर, और ये बहुत पुराना सालों वाला घर है, देखो भाई क्या मशीन है, सब हमारी गाड़ी देख रहा है। तो ये है भाई असली कश्मीर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये उर्दू में, ये देखो भाई कर रहा है बंदा। 1.5 घंटे हो गए ऐसे गांव में चलते चलते, ये देखो बीच रोड पे भाई साहब, अभी कलेश हो जाता। तो भाई ये देखो ऐसे ऐसे घर है, हमें 1.5 घंटे हो गए चलते हुए। यहाँ के लोग ना ऐसे कपड़े पहनते हैं। यो कश्मीर के एक बारी कमेंट करके बताना, भाई ने गाली तो नहीं दे दी मेरे को, इशिंग चांशों करके। अपन निकल रहे हैं एकदम गांव से, ओ भाई कितनी पुरानी गाड़ी है फोर्ड की आइकन। तो भाई अभी देखो क्या व्यू आ रहा है, क्या रास्ता है भाई, ओ भाई धूल मिट्टी, ओ नीचे खाई है भाई, बच गए भाई, भाई मजा आ रहा है भाई। यहाँ धीरे चला दो भाई, रोड ज्यादा खराब है भाई, क्या व्यू आ रहा है, वो अल्टीमेट है ना, एक नंबर जगह लाया ने भाई, भाई मेहनत करने के बाद ना व्यू बहुत अच्छा व्यू। हाँ और नीचे भाई पूरी खाई खाई है, ओहो हो आनंद, सही जगह चल रहा है भाई, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, सही जगह एक नंबर। हमारा लाइनअप है ये, अरनी भैया की गाड़ी अभी यहाँ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी 4x4 नहीं है। अभी अपन थोड़ी रील रील बना रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, अपन इनको छोड़ देंगे, बाय गोना मिस यू, बाय बाय टेक केयर। ओ भाई हम आ गए बाहर, ओ भाई बाहर निकल के आ गए, और ऑफ रोडिंग करते हुए गुलमर्ग आ गए भाई, यहाँ पाइपलाइन डल रही है, बट बहुत सुंदर जगह है।
चढ़ गई, चढ़ाई दी भाई, भयंकर टैलेंटेड बंदे भाई कश्मीर के कसम से। परसों ना एक गाड़ी यहाँ पे पलट गई थी, यही वाली अब फिर से अटेम्प्ट करा है। गाड़ी से ना भाई देखो धुआं आ गया भाई, बहुत धुआं छोड़ रही है यार, मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया मेरी गाड़ी में। गाइस इतना मजा आ रहा है ना मेरे को भाई कसम से, है ना कभी इतना मजा आया नहीं। तो स्पेशल थैंक यू मेरे भाइयों को, थैंक यू गाइस, लव यू, आप इतनी अच्छी जगह लेके आए मेरे को। तो ये हमारे भाई है कश्मीर के भाई, बहुत अच्छे बंदे हैं। तो हमारी बन गई अरनी भाई के साथ, जा भी जाते हो ना भाई ट्रिप के मजे दुगने, आधे तो आपकी वजह से हुए। हाँ भाई चार चांद लाए तो मेरी ट्रिप पे भाई। भाई ये बंदे टू गुड है मेरे, एक यूट्यूबर मतलब बेस्ट फ्रेंड एक ये ही है इसके भाई। हाँ देखो क्योंकि इनका नेचर बहुत अच्छा है भाई, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है ना, तो अच्छा लगता है मेरे को भाइयों का प्यार। बस अभी चाय चल रही है, ये देखो चाय टाइम। सही तो भाई ये बन रही है मैगी हमारी, ये जितना भी कचरा है ना गाइस हम सारा साफ करके जाएंगे नीट एंड क्लीन, ठीक है तो उसकी टेंशन मत लेना। वो ये बन रही है हमारी मैगी, मैगी खाते अपन फिर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे जानवर भी होंगे, लेपड़ वेपड़ है ना। मैगी होगी सेट, ये देखो भाई बढ़िया मैगी बन चुकी है हमारी। तो अभी मैगी खा रहे हैं गाइस हम, और टेम्परेचर ना धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है यहाँ का, कितना हो जाएगा। और गौरव भाई की एक बात बहुत लगी भाई, गौरव भाई ने सबसे पहले यही कहा ये जो मैगी बन रही है ये मैगी बन रही है और आसपास में जितना भी प्लास्टिक दिख रहा है इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये सब उठा के जाएंगे यहाँ से। दैट वाज द बेस्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड, अभी लेके जाएंगे और दिखाई दो आप, ये सुपर मैसेज था ये आपका। और गाइस मैं बता दूं ये जो जगह है ना भाई विंटर में कैसी दिखती है, ये अमेजिंग भाई। वाओ कौन कौन सी जगह, ये गुलमर्ग का बैक साइड है भाई, चीड़ तो आ रही है भाई ये गाड़ी। ओ शिट भाई अब वापस रिवर पार करके अब अपन निकलते हैं, अभी अपन चलते हैं इसमें। सो गाइस मसला हो चुका है, हमारी गाड़ी ना पूरा धुआं छोड़ रही है, देखो भाई धुएं निकल रहे हैं, अब तो खैर कम हो गए, बट ये था भाई अब निकलने का टाइम हो गया, बादल वादल हो गए तो अब निकला जाए, निकला जाए। चलो, चलो, चलो। भाई ये देखो क्या व्यू आ रहा है, वो बादल ही बादल हो गए, और भाई वो गाँव वाले मतलब रहते हैं यहाँ पे। भाई क्या व्यू है बॉस, बहुत सही जगह लाए हैं भाई, लोकल आदमी का यही फायदा भाई गाड़ी। ये देखो भाई अब गाड़ी धीरे धीरे जा रही है नीचे। भाई तुम्हें एक बात बताओ, तुम जिप्सी इतनी कुदाते हो तो इसके सस्पेंशन नहीं बोलते जिप्सी के? अरे नहीं कुछ नहीं होता जिप्सी में, मतलब कितना ही खर्चा आता है, बहुत कम खर्चा आता है, सस्ती है एकदम, इसीलिए तो ज्यादा प्रेफर लोग जिप्सी करते हैं पहाड़ों पे। ले जाओ ले जाओ उधर से, नहीं पीछे ले लो। नहीं नहीं रुक 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 रुक,
भाई बारिश आ गई तो हम फंस जाएंगे। ओ शिट, ला 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 मैं भाग रहा हूँ आगे। भाई ये पूरी स्लश हो गई है, देखो भाई पूरा, वो देखो फिसलती जा रही है। भाई इसके सस्पेंशन तो नहीं जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा ये, कुछ मतलब वैसा ही नहीं, बस स्लिपरी है। ओ भाई शिट, ये बादल कड़कते जा रहे हैं, हालत खराब हो रही है। अभी मोटा भाई निकालेंगे अपने को। भाई क्लच प्लेट कुछ नहीं होनी चाहिए, तो अभी ये भाई निकाल रहे हैं। ओ भाई अब किसके भाई है? भाई निकलते हुए आ रही है। भाई गाड़ी सटासट खेच खेच के ला रहे हैं, बट फिर भी बात नहीं बन रही। तो भाई सीन ऐसा था, मैं कीचड़ में फिसल गया था, ठीक है। तो ये देखो पूरा कीचड़ का हो गया। तो यहाँ जो नदी थी ना, ये जो देख रहे हो, तो यहाँ हाथ धोने आया था मैं। अभी भाई मौसम बिगड़ रहा है, और वहाँ मेरी गाड़ी का टो का बना रहे हैं प्लान। ये देखो टो चल रही है। भाई बादल भयंकर गरज रहे हैं, और सीन ऐसा है अगर बादल गरज गए तो अपने को यहीं रुकना पड़ेगा भाई, और जो कि बहुत दिक्कत हो ना इंसान है ना इंसान के साथ, और मनीषा भी अकेली है मेरे साथ। तो भाई अभी गाड़ी चेसी पे लगाया, किस पे लगाया? बम्पर पे लगाया भाई, बम्पर उखड़ ना जाए। निकली 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 गाड़ी निकली निकली ओ तेरी। बारिश स्टार्ट हो गई गाइस, ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश होगी तो और स्लश हो जाएगी भाई। भाई जलने की बदबू आ रही है भाई, मेरे को रास्ता दिखा बस आराम से, कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई जलने की बदबू आ रही है भाई, क्लच प्लेट ना जल गई हो बस। तो भाई क्या ओ, क्या लग जाती है, जरूरत ही नहीं है भाई। ओ तेरी का, ओ भाई पेड़ा 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 मेरा भाई, कहाँ पे ये देखो वो रहा भाई, वाह भी रहा दिया आपने, गड्ढा गड्ढा भाई। ओ भाई तो अभी उल्टा ले जा रहे हम। आगे 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 उल्टा उल्टा लिया है भाई, खींच दी भाई। भाई यार इतने गाड़ी पे लोड क्यों दे रहे? फर्स्ट गियर रखना, मतलब गाड़ी की स्पीड मेंटेन करना 10-15 फर्स्ट गियर में, ठीक है। तुम्हारे पीछे ही पीछे हूँ, नहीं आप आगे जाओ। तो भाई बंदे की हालत देखो कपड़े का। तो हमारी गाड़ी जैसे तैसे तो आ गई ऊपर, तो हमारी गाड़ी को आगे जाने दे रहे हैं, क्योंकि इसमें टायर ठीक नहीं है ज्यादा, तो दूसरा भाई चला रहा है जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बारिश में ना मैं रिस्क नहीं ले सकता था इसी जगह चलाने का, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो स्लिपरी ज्यादा आपको, स्लिपरी ज्यादा। और भाई यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ना इंसान है ना इंसान की हक, और ज्यादा बारिश हो गई ना तो हम फंस भी जाएंगे यहाँ पे। ये देखो भाई फिसल के नीचे चली गई मेरी गाड़ी, ये गाड़ी फिसलती जा रही है, ये देखो मेरी भाई पूरी वहां थी गाइस, वहां से फिसल के नीचे आ गई। तो अपन गाइस राइट से निकाल रहे हैं, थोड़ा वो नीचे से रेड ट्रैक दूसरा चूज कर रहे हैं। ओ शिट, पूरी 90 डिग्री पे हो गई गाइस, ऐसे रुक जाना है। हाँ ऐसे ही हूँ मैं सीधा निकल। देखो भाई अभी हमारी हालत कैसी है, ये जैसे ये पूरे टेढ़े पड़े हैं भाई, गाड़ी पूरी कोई हेल्प करने नहीं आ रहा। इतने कमजोर नहीं है भाई हम, जो डर जाए। गाड़ी हमारी देखो भाई पूरी टेढ़ी हो चुकी है। बुजी हमारी गाड़ी का हाल क्या हो गया? तो ऐसी तिरछी पड़ गई है गाइस, टायर उठ गया। हाँ टायर हवा में है। ओ शिट, और हम दो अकेले रह गए दोनों भाई। ये मेरा गोरा भाई बड़े ही परेशान है, बड़े ही परेशान है भाई पे भरोसा। ये देखो गाड़ी ऐसे ही रुकना है। लो तो भाई ऐसी हमारी गाड़ी की कंडीशन हो गई है, कैसे निकलेगी भाई? अभी कोई आ जाता थोड़ा इसको प्रेस करना इधर, हाँ तो हम निकल जा सकते। अब देखो पूरी गाड़ी अंदर घुस चुकी है। हाथ दिखाओ भाई के। भाई मैं गाड़ी को पकड़ के रखा था, गोरा भाई ने आज पूरी एकदम ऑफ रोडिंग कर दी भाई। इन्होंने मास्टर, एकदम मास्टर है भाई। ये पीछे लटक गए थे और मैंने रिवर्स करके जैसे तैसे निकाली, और ये देखो पैरों की हालत कैसी है, बट गाड़ी जैसे तैसे हमारी निकल चुकी है। तो अपन निकल रहे हैं, बारिश बंद हो चुकी है लेकिन तब सही से निकल रही है भाई गाड़ी। हाँ गाड़ी की हालत देख लो भाई, आज तो हम अकेले रह गए, मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया भाई। तो रियल वाला मैन वर्सेस वाइल्ड है, हम दो ही बंदे थे, बाकी सारे दो ये चक्कर जो होता है ना ये वाला। ओ भाई फिसल के नीचे गई है देखो। तो अभी ओ शिट, और नीचे भाई खाई है देखो। ओ शिट ये फिसल रही है, ये ब्रेक मार रहा है। ब्रेक ब्रेक नहीं मारना चाहिए, ब्रेक छोड़ देगा ना तो धीरे धीरे। ये देखो 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 बस इस टाइम जो ये नाली होती है ना, ओ इसमें से जाना पड़ता है। ओ भाई एग्जॉस्टेड हो गया भाई मेरा लगता है यार। तो अब रिवर क्रॉसिंग चल रही है भाई, जब हम आए आपने देखा इधर कितना पानी था। हाँ ओ भाई कितना सारा पानी भर गया भाई, उस टाइम कोई थोड़ा सा ही पानी था, ये अभी रात में बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा रात में और बढ़ जाएगा जी, जी।
भाई मेरा एग्जॉस्ट लटक के नीचे आ गया भाई, ये देखो नीचे नहीं आ गया। अरे यार ओ तेरी, यहाँ पे दो तीन थार वो डैमेज हो चुका है, हल्का फुल्का हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। वो थार भी इसमें फंसी ना। कैसे? क्या शीशा जा चुका था, वो थार इस पे आई ना ऐसे कोलैप्स हो गई। कब? मगर अच्छा जी, लेकिन अब वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं था, उधर ही वो ठीक हो गया, बस ये कवर गिर गया था नीचे। कवर गिर गया, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, कुछ ना कुछ ये कवर गिर गया था। हाँ तो बस कवर तो चुपक जाएगा, नहीं बस और कुछ और तो कुछ भी नहीं है, कुछ बाकी है। बम्पर हल्का फुल्का आ गया, वो देखेंगे भाई साफ करवा के पता लगेगा। नहीं नहीं जाएगा अंदर, जाएगा गौरव भाई जाएगा। क्या बाहर क्या निकला है? ये हल्का सा आगे खींच गया है। अच्छा जो खींचने पे चेसिस से कनेक्ट होता है किससे होता है? ये चेसिस से कनेक्ट होता है किससे होता है? चेसिस का बोल्ट लगा होता है ना, चेसिस। हां तो बोल्ट से ये वापस जाएगा। हां बस ठीक है, ये खींचा था। तो कोई ना, ये छोटी मोटी चलती रहेंगी, कल अपने को बहुत सारा काम कराना है भाई थार में। तो भाई अब अपना काफिला निकल रहा है भाई, पूरे रोड पे धूल ही धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं सारे, और भाई गाड़ी में ना नुकसान हो गया है। अभी नुकसान ना, अभी मैं रुकूंगा ना तब जाके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या नुकसान हो गया भाई। सो भाई सबसे पहले प्रॉब्लम ना, गाड़ी में पता नहीं कौन सा पेच या बम्पर हमारा लूज हो गया, उसकी ना बड़बड़ आवाज आ रही है सुनना। तो मेरे को लग रहा है अंडर बॉडी किट के ना पेच निकल गया, तो धड़ 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 वो हिल रहा है। तो ये नॉइज ना मेरे को कटवानी पड़ेगी, दिखवाना पड़ेगा, अदरवाइज ना इसमें नॉइज बढ़ जाएगा। लद्दाख में बहुत प्रॉब्लम है खटर पटर से। तो कल अपन ना वर्कशॉप छोड़े हैं, और अभी आपको दिखाता हूँ 6-7 प्रॉब्लम आ गई है मेरी गाड़ी में। ये है वाइल्ड ब्रदर्स भाई, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग ऑफ रोडिंग ही करते हो? ऑफ रोडिंग प्लस एक्सपीडिशन भी करते हो? अच्छा अच्छा, तो भाई फॉलो कर लेना ये लोकल यूट्यूबर से। भाई मैं थोड़ी देर बैठा, मेरी आंख वाक लग गई थी भाई, बहुत ज्यादा थक गया मैं भाई। गाइस मैंने तो ना फटाफट पहले खाना खा लिया, इतनी भूख लगी मेरे से रहा नहीं गया। और यहाँ पे थाली में पता है क्या, चावल मिल रहे हैं, पनीर की सब्जी, छोले, और ये बैंगन है, और ये दाल है, ये सारा खाने को मिल रहा है हम सबने।